हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ये हमारी आज वोकैबुलरी की 7वीं क्लास है और इससे पहले हमने 6 क्लास कंप्लीट की। उसके बाद हमने टेस्ट लिया, यानी एक हफ्ते के बाद एक टेस्ट होया करेगा आपका हर हफ्ते। इसी तरह से आप डेली रिवीजन करते हुए चले और जो आपके टेस्ट होने वाला है इस वीक का, ये 6 क्लासेस होने के बाद, यानी संडे में टेस्ट होगा आपका जो आएगा संडे। तो इस बार क्लास 1 से लेकर के क्लास 11 या 12 जितनी भी क्लासेस होगी वहाँ तक आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो आप पीछे की चीज़ें भी हाथों हाथ रिवाइज करते हुए चले। दूसरी बात, ये वीडियो मैं YouTube पर भी अपलोड कर रहा हूँ, और ताकि अगर किसी को ज्वाइन करना है इस बैच को, जो इंटरेस्टेड है, जो अपने सिलेक्शन यानी अपने मार्क्स को इंक्रीज करना चाहता है इंग्लिश में, वो कैप में अगर उसको दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और इसलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, और इससे ज़्यादा मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता। हो सकता है बस एक आध वीडियो और हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी। फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है आपको बैच ज्वाइन करने का। अभी 7 क्लास हुई है, आप कवर कर सकते हो, ठीक है, इजीली आप इनको कवर कर सकते हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने नंबर बता रखा है कि 9557760685 पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके इस बैच की डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे आप, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और ये 2 महीने के लिए हमने स्टार्ट किया है, मात्र 2 महीने में ये बैच को हम कंप्लीट करेंगे स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम तक, ठीक है, स्टेनो के एग्ज़ाम तक, जो कि होने वाला आपका नवंबर में, ओके, या फिर थोड़ा बहुत पीछे हट सकता है तो दिसंबर में तो पक्का आपका एग्ज़ाम ये हो ही जाएगा, ओके। अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस पीडीएफ को। ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाली हुई थी, आपने इसको नोट किया होगा और आपने इसको या तो प्रिंट किया होगा, दोनों में से एक काम करने हैं आपको। जो बैच वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें, या तो आपने नोट की होगी या फिर प्रिंट, दोनों में से एक काम करना है। और अब इस टाइम अपने आगे रख कर के इस पीडीएफ को तब ये वीडियो देखनी है, इससे आपको ईजिली वर्ड याद होने लगेंगे, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में हम अल्फ़ाबेट बी से रिलेटेड वर्डों को डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस या लास्ट ईयर के वर्ड मीनिंग भी इसमें लिए हैं, तो दोनों चीज़ें मैंने ली है। उसी प्रकार अगली जो वीडियो आएगी उसमें सी अल्फ़ाबेट के हम वर्ड को डिस्कस करेंगे, फिर डी के, तो इसी तरह से अल्फ़ाबेटिकली हम जेड तक डिस्कस करेंगे। और साथ में आपकी लास्ट ईयर की वोकैब, ये आपको मैं मतलब कहीं से भी जहाँ से मुझे मिलती है, जैसे MB पब्लिकेशन की बुक हुई, या फिर किरण की, या फिर घटना चक्र, ये मैं वहाँ से निकाल लेता हूँ, या लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, लास्ट ईयर की जो वोकैब होती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको किताबों को नहीं मतलब सर्च करना है, आपको केवल ये चीज़ें पढ़नी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको नहीं इकट्ठा करना, वो हेडक मेरी है, ये काम मेरा है कि मुझे कहाँ से इकट्ठा करना है, ठीक है। केवल आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ वो कैब में, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। बस आप मेहनत करके जितना मैं दे रहा हूँ आपको कंटेंट उतना याद करना है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर, और जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो आप मैसेज करके बैच के बारे में डिटेल ले सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को, ठीक है। चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो ये 4 पेज की PDF है, और इसको आपको सामने रखना है, फिर आगे अपनी वीडियो को कंटिन्यू करना है। एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वर्डों को। चलिए पहला वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है बीसेट, पहला वर्ड है बीसेट। एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रीवमेंट, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पर है ब्लश फेमस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ब्लश फेमस। चलिए 3-3 करके हम वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं,
ठीक है। पहला वर्ड यहां पर लिखा हुआ है बिसेट। बिसेट के साथ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा प्रेपोजिशन विद का यूज करेंगे। किसके साथ? बिसेट के। तो बिसेट के साथ प्रेपोजिशन विद का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। और इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है घिरा होना। क्या होना? घिरा होना, यानी सराउंडेड कह सकते हैं आप इसको, सराउंडेड। क्या बोल सकते हैं आप इसको? सराउंडेड, घिरा होना, या फिर कह सकते हैं सराउंडेड। सराउंडेड का मतलब भी क्या होता है? घिरा होना, ठीक है। और घिरा होना जैसे प्रॉब्लम से घिरा होना, या फिर डर से घिरा होना, या फिर किसी वस्तु से घिरा होना भी हो सकता है। तो किसी सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे आप। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल पीडीएफ में लिखे हुए हैं, केवल मैं यहाँ पर पढ़ के आपको बता देता हूँ, ताकि आपके जहन में चीज़ें जाएगी और इजीली याद रहे। चलिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, एवरी कंट्री इज बिसेट विद मैनी प्रॉब्लम्स दीज डेज। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। एवरी कंट्री मतलब प्रत्येक देश बिसेट विद, यानी घिरे हुए हैं बहुत सारी समस्याओं से आजकल। तो आजकल बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं। आप सब जानते हैं कोरोना की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है सभी कंट्रीज़ को, ठीक है। तो उस पर बेस ये एक एग्जाम्पल था। अगला है, द वॉयज बाज बिसेट विद डेंजर। वॉयज होती है समुद्री यात्रा। वॉयज का मतलब क्या होता है? वॉयज, ठीक है, समुद्री यात्रा। तो समुद्री यात्रा खतरों से घिरी हुई थी। डेंजर मतलब खतरा, और बिसेट विद मतलब घिरा होना। तो खतरों से घिरी हुई थी क्या? समुद्री यात्रा, ठीक है। तो बिसेट को हमने डिस्कस किया। अगला वर्ड है ब्रीवमेंट। देखिए ब्रीवमेंट का मतलब होता है दुख से, लेकिन कैसा दुख? अपनों के मर जाने का दुख, यानी शौक, जब कोई परिवार का सदस्य की डेथ हो जाती है और जो वो दुख होता है उसको बोलते हैं क्या? ब्रीवमेंट। तो ब्रीवमेंट का मतलब क्या होता है? दुख। क्या होता है इसका मतलब? दुख या फिर शौक, लेकिन अपनों के मर जाने का, ठीक है, गम, ठीक है, उस तरह से हम यूज करते हैं ब्रीवमेंट का। और एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है ब्रीव्ड। तो ब्रीव्ड का मतलब हो जाएगा ये एडजेक्टिव। तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, और ब्रीवमेंट ये नाउन है, ठीक है, इसका मतलब होता है दुख। एडजेक्टिव की अगर बात करें तो वो हो जाएगा दुख से भरा हुआ, यानी शोक में डूबा हुआ। तो ब्रीव्ड मतलब शोक में डूबा हुआ। और यहां पर हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए बी सिंपथाइज्ड। सिंपथाइज्ड का मतलब हमें सहानुभूति के तरीके से मतलब पेश आना चाहिए, या हमें दूसरों पर दया दिखानी चाहिए, ठीक है, दयालु होना चाहिए। विद द ब्रीव्ड फैमिली, यानी हमें ब्रीव्ड फैमिली, यानी जो शोक में डूबी हुई फैमिली है उसके प्रति हमें सहानुभूति दिखानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, द प्लेन क्रैश ब्रीव्ड हर ऑफ हर हस्बैंड। देखिए एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, अगर आपको शब्द लिखा हुआ मिले ब्रीव, क्या मिले? ब्रीव, प्लस इसके बाद कोई पर्सन लिखा हुआ हो, क्या हो? पर्सन। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रेपोजिशन मिलेगी ऑफ, फिर यहाँ पर पर्सन मिलेगा आपको लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है दूर होना। क्या होता है? दूर होना, मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद दूर होना, तो एक ही बात है, दूर होना यानी बहुत ज़्यादा दुख में हो जाना। तो इसका मतलब निकलता है दूर होने से, मृत्यु के बाद दूर हो जाना, यानी ये कहना चाह रहे द प्लेन क्रैश, यानी जो प्लेन की क्रैश की जो घटना थी, ब्रीव्ड हर ऑफ हर हस्बैंड, यानी उसको अलग कर दिया उसके हस्बैंड से, यानी वो उसका हस्बैंड क्या हो गया होगा? मर गया होगा, यानी अलग कर देना है, दूर कर देना। तो प्लेन क्रैश ने उसके हस्बैंड को दूर कर दिया उससे, ठीक है। अगला है हमारे पास ब्लस फेमस। नेक्स्ट वर्ड है ब्लस फेमस। ब्लस फेमस का मतलब होता है, ब्लस फेमस मीन्स आप कह सकते हैं कि ईश्वर की निंदा करना। क्या करना? ईश्वर की निंदा करना, चाहे वो बुक के थ्रू हो, स्टोरी के थ्रू, या फिर मूवी के थ्रू, ठीक है, ईश्वर की निंदा करना, वहाँ पर हम वर्ड का यूज़ करते हैं ब्लस फेमस। तो ब्लस फेमस का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना, ठीक है, किसी भी तरह हो सकता है, वो मूवी के थ्रू, बुक, कोई ऐसी बुक लिखी हुई है जिसमें भगवान को या ईश्वर को कह सकते हो, उसमें गलत वर्ड यूज़ किए गए हों, ठीक है, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे ब्लस फेमस का, ठीक है। और एग्जाम्पल आप देख लेंगे यहाँ पर,
मैनी पीपल फाउंड द फिल्म ब्लेस्फेमस, यानी बहुत सारे लोगों ने फिल्म को, मैनी पीपल मतलब बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोगों ने फिल्म को कैसा पाया, ब्लेस्फेमस यानी ईश्वर निंदनीय फिल्म थी वो, तो ईश्वर की निंदा की गई थी उसमें, ईश्वर के बारे में थोड़ा सा गलत उसमें बताया गया था, इस तरह से आप यूज करेंगे। अगला एग्जाम्पल है द बुक हैज़ बीन कंडेम्ड, यानी बुक को कंडेम्ड किया गया, हैज़ बीन कंडेम्ड एज ब्लेस्फेमस, चूँकि वो ब्लेस्फेमस थी, यानी चूँकि वो ईश्वर की निंदा करने वाली बुक थी, ठीक है, तो उसकी उसका कंडेम यानी उसका खंडन किया गया, चूँकि वो ईश्वर निंदनीय बुक थी, ब्लेस्फेमस थी, ठीक है। अगला वर्ड है, चलिए इसको साफ कर देता हूँ मैं, तो ब्लेस्फेमस का आपको मतलब समझ में आया होगा। चलिए, तो इस तरह से जब आप एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल में लिख करके यहाँ पर बता नहीं सकता क्योंकि फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल को मैं ऐसे ही बोल के बता रहा हूँ, और आगे हम डिस्कस करेंगे वर्ड, उसका सिनोनिम, उसका एंटोनिम, तो इसी तरह से कुछ वर्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं अच्छे से, फिर उसका आगे कुछ वर्ड ऐसे आएंगे, हम वर्ड लिखेंगे, फिर उसका सिनोनिम यानी उसका मीनिंग बताऊंगा, फिर उसके बाद उसका एंटोनिम, तो इस तरह से क्लास में जो है होते रहेंगे। चलिए, एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक्रप्ट, हाँ बैंक्रप्ट, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एक वर्ड बैनिश या बानिश, तो बैनिश यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है बैरन, तो ये वर्ड हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं बैरन, लेकिन कोई बात नहीं आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। बिगविल, एक वर्ड यहाँ पर बिगविल, ठीक है, इन चार वर्ड को डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला देखिए बैंक्रप्ट, आपने वर्ड सुना होगा बैंक्रप्ट, इसका मतलब होता है कंगाल, बैंक्रप्ट मतलब दिवालिया, यानी बहुत ज़्यादा बहुत मतलब एकदम गरीब हो जाना, कोई व्यक्ति अमीर है या किसी की कंपनी चल रही है और एकदम सी कंपनी क्या है नुकसान में पहुंच गई, घाटे में पहुंच जाए, यानी कंपनी बिल्कुल सील हो जाए, बंद हो जाए, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा बैंक्रप्ट, यानी वो बिल्कुल रोड पे आ जाएगा, एकदम से अमीर से एकदम रोड पे आ गया है तो वो क्या हुआ बैंक्रप्ट यानी दिवालिया, वो पूरी तरह से गरीब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, ठीक है। बैंक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया या फिर कंगाल, तो कंगाल कह सकते हैं। जैसे हिज फादर बेंट बैंक्रप्ट, यानी उसके पिता बैंक्रप्ट यानी कंगाल हो गए, एंड द फैमिली हैड टू सेल दियर होम, और फैमिली ने अपने होम को बेच दिया, ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे बैंक्रप्ट का। नेक्स्ट है बानिश, देखिए बानिश का मतलब होता है निकाल देना, किसी देश से निकाल देना या फिर किसी जगह से निकाल देना, उसको बोलते हैं बानिश, तो यहाँ पर इसका आप मतलब समझे कि निकाल देना किसी देश से, कंट्री से बाहर कर देना या फिर किसी जगह से बाहर कर देना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका बैनिश का। और यहाँ पर ए नंबर ऑफ पीपल यानी बहुत सारी एक संख्या में लोगों को वर बैनिश्ड टू यहाँ पर देश का नाम लिख सकते हैं, कोई सा भी, अमेरिका लिख लो, यूएसए लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, यानी आप लिखोगे यहाँ पर ए नंबर ऑफ पीपल वर बैनिश्ड टू किसी भी कंट्री या फिर जैसे यहाँ पर जापान लिख लो या टर्की, कुछ भी लिख लो यहाँ पर टू, एग्जाम्पल में पूरा सेंटेंस यहाँ पर लिखा नहीं है, टू पर स्टॉप कर दिया गया है, शायद मैं भूल गया लिखना यहाँ पर, तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई सा भी देश का नाम आप लिख सकते हैं, किसी भी जगह का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से निकाल दिया गया बहुत सारे लोगों को। ओके, ए नंबर ऑफ पीपल वर बैनिश्ड टू यूएसए कह सकते हैं, जापान कह सकते हैं, टर्की कह सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर स्थान का नाम आप लिख सकते हो, तो इसका मतलब होता है बैनिश का निकाल देना, ठीक है। अगला है बैरन, देखिए बैरन का मतलब होता है बंजर, कोई चीज़ अगर बंजर है, जैसे भूमि है जहाँ पर कुछ फसल नहीं होती, बिल्कुल उपजाऊ नहीं है वो, मतलब वहाँ पर फसल नहीं होती, उस लायक नहीं है फसल हो वहाँ पर, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं बैरन, क्या बोल सकते हैं बैरन, या फिर औरत के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब फीमेल के, महिला के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जिस महिला को बेबी ना हो उसको भी आप क्या बोल सकते हैं बैरन।
ठीक है, यानी हिंदी में यूज करते हैं एक वर्ड बांझ, तो इस तरह से आप यूज करेंगे बैरन का। और फलहीन कह सकते हैं, फ्रूटलेस अगर कोई चीज़ है तो वो बैरन है। ठीक है, अगला इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, ही प्रेड दैट, वह उसने प्रार्थना की कि हिज बैरन वाइफ, उसकी जो बांझ कह सकते हैं कि उसकी जो पत्नी है, बैरन वाइफ है जो उसकी, वुड वन डे हैव ए चाइल्ड, एक दिन उसके क्या होगा, चाइल्ड होगा। ठीक है, यानी एक दिन उसके बेबी होगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर बिगविल, नेक्स्ट है बिगविल। बिगविल का मतलब होता है बहला फुसला करके किसी को लुभाना, चीट करना, क्या करना, किसी को चीट करना, बहला फुसला करके किसी को चीट करना, वहाँ पर हम यूज करेंगे बिगविल का। तो ये थे कुछ वर्ड, चलिए आगे लिखता हूं मैं यहां पर, बेनेवोलेंट, नेक्स्ट है हमारे पास बेनेवोलेंट। ओके, आगे है बिलेटेड, बिलेटेड, नेक्स्ट है हमारे पास बैफल, बैफल। ठीक है, अगला जो वर्ड है हमारे पास बैफल। ओके, तो ये तीन वर्ड हम डिस्कस करेंगे पहले, फिर उसके बाद आगे और डिस्कस करेंगे। अभी 30 वर्ड इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में, तो आप अच्छे से इसको ध्यान से देखें। देखिए, बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पे दया करता हो, दूसरों की बातों को एकदम ईजिली मान लेता है, मतलब निर्दयी, सॉरी दयालु टाइप का, दूसरों पर एकदम दया दिखाता है। ठीक है, और इसके आप जैसे बोल सकते हैं जेनरस या फिर चैरिटेबल, यानी दूसरों की एकदम हेल्प करने वाला व्यक्ति या फिर दूसरों पे एकदम दया दिखाने वाला व्यक्ति, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेनेवोलेंट, या फिर इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड जेनरस, जेनरस या फिर चैरिटेबल, चैरिटेबल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप चैरिटेबल का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, जो चैरिटी करता है, चैरिटेबल। ठीक है, चैरिटी मतलब दूसरों की हेल्प करता है, दान करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं बेनेवोलेंट। और एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज नोटेड फॉर हिज बेनेवोलेंट नेचर, यानी उसको नोटेड, यानी उसको नोटिस किया जाता है उसके दयालु स्वभाव के कारण। ठीक है, उसको नोटिस करते हैं लोग। नेक्स्ट है बिलेटेड, अगला हमारा वर्ड है बिलेटेड। तो बिलेटेड का मतलब होता है डिले होना, यानी देर होना, विलंब होना। ठीक है, क्या होना, डिले, क्या होना, डिले। बिलेटेड का मतलब देर होना या फिर डिले होना, इसका हम यूज करते हैं इस सेंस में, विलंबित होना। ही वॉज सॉरी फॉर मेकिंग बिलेटेड पेमेंट, यानी वह माफ़ी मांग रहा था फॉर मेकिंग बिलेटेड पेमेंट, यानी पेमेंट को देर से करने के लिए, यानी पेमेंट करने में क्या हो गया, वो लेट हो गया, इसलिए वो क्या कर रहा था, माफ़ी मांग रहा था। तो बिलेटेड का मतलब होता है देर होना किसी काम में। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बैफल। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, क्या होना, कंफ्यूज हो जाना, बैफल मींस कंफ्यूज, परप्लेक्स उसको बोलते हैं बैफल, यानी चकरा जाना, क्या करना, चकरा जाना। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं किसका, बैफल का, परप्लेक्स हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, ये सब बैफल के सिनोनिम के रूप में आप यूज कर सकते हो इन वर्ड को। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दो पेज की हमने पीडीएफ को डिस्कस किया, अब आगे और देखते हैं फटाफट से। ओके, चलिए पहला यहां पर वर्ड लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, वर्ड नंबर 11 यहां पर लिखा हुआ है ब्रूटल, ब्रूटल। नेक्स्ट है बारबेरस, एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है बारबेरस। ओके, नेक्स्ट है ब्रिटल, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ब्रिटल। एक वर्ड है यहां पर ब्लेम, इजी इजी वर्ड है, तो यहां पर एक साथ लिख लेता हूं मैं चार पांच वर्ड। एक वर्ड है यहां पर ब्रेविटी, क्या है यहां पर लिखा हुआ, ब्रेविटी। तो इन पांच वर्ड को हम डिस्कस कर लेते हैं।
नीचे लिखा हुआ है ब्रेविटी। चलिए देखिए, पहला लिखा हुआ है यहां पर ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है असभ्य, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो क्रूर हो, बहुत ज्यादा निर्दयी स्वभाव का हो या असभ्य हो, उसको बोलते हैं क्या? ब्रूटल, निर्दयी या फिर क्रूर, निर्दयी या फिर क्रूर, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रूटल, या फिर यहां पर आप लिख सकते हैं क्रूअल। इंग्लिश वाले बच्चे यहां पर समझ सकते हैं क्रूअल। क्रूअल मतलब क्रूर टाइप का व्यक्ति, जो दूसरों पर अत्याचार के सेंस में आप यूज कर सकते हैं कि दूसरों पर अत्याचार, दूसरों पर निर्दयता दिखाए, दया ना करे, उसको बोलते हैं ब्रूटल, क्रूर एकदम। और इसके एंटोनिम की अगर बात करें तो यहां पर आप काइंड या फिर ह्यूमैन कह सकते हैं। काइंड, काइंड मतलब दूसरों पर दया करने वाला, या फिर कह सकते हैं दयालु पर्सन। तो काइंड क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक एंटोनिम आप ह्यूमैन भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बारबेरस। बारबेरस, देखिए बारबेरस का इसका सिनोनिम कह सकते हैं आप। बारबेरस का मतलब भी क्या होता है? असभ्य। बारबेरस मीन्स भी क्या होता है? असभ्य, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो असभ्य हो, जो निर्दयी हो, क्रूर हो, उसको बारबेरस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अनसिविलाइज्ड पर्सन, इसके लिए एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड पर्सन, ठीक है। अनसिविलाइज्ड व्यक्ति, एक मिनट, अनसिविलाइज्ड व्यक्ति के लिए आप यूज कर सकते हैं क्या? बारबेरस, ठीक है। तो ये अच्छा वर्ड है बारबेरस, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड। क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। एक मिनट यहां पर रुकेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर बारबेरस का मतलब क्या हुआ? अनसिविलाइज्ड या फिर असभ्य पर्सन, ठीक है। आगे है ब्रिटल। देखिए ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक। नाजुक यानी जो चीज बहुत ज्यादा कमजोर है, एकदम से छूने से टूट जाए, एकदम से छूने से टूट जाए कह सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिटल। क्या होती है? नाजुक। और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं फ्रेजाइल। वर्ड है यहाँ पर फ्रेजाइल, ठीक है। तो फ्रेजाइल आप इसके सिनोनिम के रूप में यूज कर सकते हैं। और इसके एंटोनिम की अगर बात करें तो एक चीज क्या है, एकदम से छूने से क्या है, टूट रही है, छूने से एकदम से गिर जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा कमजोर है। तो इसका एंटोनिम की बात करें तो हो जाएगा क्या? टफ। तो टफ आप इसके एंटोनिम के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्लेम। ब्लेम करना मतलब किसी पर दोष लगाना। ब्लेम मीन्स किसी पर दोष लगाना, या फिर कह सकते हैं आरोप लगाना। क्या करना? आरोप लगाना, ठीक। ब्लेम मीन्स क्या होता है? किसी पर आरोप लगाना। या सेंस्योर, एक वर्ड है यहाँ पर सेंस्योर। सेंस्योर मतलब किसी की निंदा करना, किसी पर आरोप लगाना, किसी को बुरा भला बोलना। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक तो हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं, किसी को बुरा भला बोल रहे हैं, तो इसके एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा? किसी की तारीफ करना, प्रेज करना किसी की। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एंटोनिम के रूप में अपलोड। क्या करना? अपलोड। तो यहाँ पर आप अपलोड लिख सकते हो, अपलोड, ठीक है। अपलोड का मतलब किसी की तारीफ करना, तालियां बजा करके तारीफ करना किसी की, वहां पर हम यूज करते हैं अपलोड वर्ड का। एक वर्ड है यहाँ पर ब्रेविटी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ब्रेविटी। इसका मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना। ब्रेविटी मीन्स किसी चीज को छोटा करना, यानी शॉर्टनेस। क्या बोल सकते हैं आप इसको? शॉर्टनेस, यानी किसी चीज को छोटा करना, उसको बोलते हैं ब्रेविटी। कोई चीज अगर छोटी कर दी गई है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेविटी। और यहां पर आप एंटोनिम के रूप में क्या यूज कर सकते हैं? एक चीज क्या है? छोटी है, शॉर्टनेस है, मतलब वो बहुत छोटी है, या ब्रेविटी है। तो इसका एंटोनिम यानी उल्टा क्या हो जाएगा? लंबी, यानी लेंदी। क्या हो जाएगा यहां पर? लेंदी। तो लेंदी आप लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा? लेंदी, एल ई एन टी एच बाई लेंदी, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्रेविटी मतलब छोटी चीज और लेंदी मतलब लॉन्ग, तो एक दूसरे की क्या हो जाएगी? ओपोजिट, यानी उल्टा हो जाएगा। ओके, चलिए
आगे हम डिस्कस कर लेते हैं ओवर वर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास बैरिकेट, अगला वर्ड है हमारे पास बैरिकेट, क्या है बैरिकेट। उसके आगे लिखा हुआ है ब्लेमिश, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ब्लेमिश। अगला वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लीक। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको एक भी छोड़ना नहीं है। अगला जो हमारा वर्ड है ब्रिश्क, ब्रिश्क, ठीक है। एक लास्ट यहाँ पर इस पीडीएफ का है बोल्ड, इस पेज का, ठीक है, इस पेज का वर्ड है बोल्ड। तो ये पांच वर्ड और हम डिस्कस करते हैं, बैरिकेट, ब्लेमिश, ब्लीक, बैरिश, सॉरी ब्रिश्क, और यहाँ पर है बोल्ड, ठीक है। पहला बैरिकेट को हम यूज करेंगे, बैरिकेट, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है बैरिकेट, ठीक है। बैरिकेट बना बैरियर से, बैरियर मतलब क्या होते हैं अवरोधक, जैसे रास्ते में आपने जब चेक इन होता है जहाँ पर, है ना, वाहन का चेक इन होता है, तो वहाँ पर बैरियर लगा दिए जाते हैं, तो वहीं से बैरियर मतलब रुकावट पैदा करने वाला, तो बैरिकेट का मतलब होता है अवरोधक, अवरोधक, ठीक है। यानी जो चीज़ रुकावट का काम करे उसको बोलते हैं बैरिकेट, रुकावट का काम करे। या फिर इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं बाधा, कोई चीज़ अगर बाधा डाल रही है, रुकावट डाल रही है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका, बैरिकेट का। और इसके लिए आप बोल सकते हैं इसका मतलब क्या होता है बैरियर, तो बैरियर आप लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया बैरियर क्या होता है, बैरियर, ठीक है। बैरियर मतलब रुकावट डाल देना, जैसे चेक इन के थ्रू जो रोड पे बीच में लगा देते हैं पुलिस वाले, उसको बोलते हैं बैरियर। और एंटोनिम यहाँ पर हो जाएगा हेल्प करना, सपोर्ट करना, भाई एक चीज़ तो क्या है बाधा कर रही है किसी काम को करने में, और दूसरा क्या हो जाएगा सपोर्ट करना, हेल्प करना उसको करने में, ठीक है। तो हेल्प लिख सकते हैं आप यहाँ पर, या फिर सपोर्ट, तो हेल्प या फिर सपोर्ट करना, इसका एंटोनिम यहाँ पर हो जाएगा। ब्लेमिश, अगला हमारा वर्ड है ब्लेमिश, इसका मतलब होता है कलंक, कलंक, ब्लेमिश मीन्स क्या होता है कलंक। स्टिग्मा, कलंक के लिए हम एक अच्छा वर्ड है स्टिग्मा, स्टिग्मा का यूज कर सकते हैं स्टिग्मा, तो स्टिग्मा का मतलब भी क्या होता है कलंक, ठीक है। और यहाँ पर एंटोनिम की अगर बात करें, कलंक मतलब कह सकते हैं एक तरीके से धब्बा, तो एक तरीके से धब्बा लग जाना उसको बोलते हैं ब्लेमिश या फिर कलंक, स्टिग्मा। और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्पॉटलेस, यानी कोई भी उस पर धब्बा नहीं है, स्पॉटलेस, स्पॉटलेस एकदम, स्पॉटलेस पर्सन, यानी कोई भी उस पर धब्बा नहीं, कोई भी बुरा दाग उस पर नहीं लगा है, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्लेमिश का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अगला वर्ड है हमारे पास ब्लीक। नेक्स्ट है ब्लीक, देखिए ब्लीक का मतलब होता है दुखी, क्या होता है दुखी, यानी कोई पर्सन अगर ग्लूमी है, क्या है ग्लूमी मतलब उदास व्यक्ति, उसको बोलते हैं ब्लीक। तो ब्लीक मीन्स क्या हुआ दुखी, या फिर कह सकते हैं ग्लूमी, यानी उदास पर्सन, उसको बोलते हैं ब्लीक। और इसका एंटोनिम यहाँ पर हो जाएगा चीयरफुल, 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 चीयरफुल मतलब खुश, प्रफुल्ल व्यक्ति, चीयरफुल, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है ब्रिश्क, ब्रिश्क का मतलब होता है फुर्तीला, यानी तेज, क्या होता है इसका मीनिंग, फुर्तीला, फुर्तीला, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति अगर तेज है किसी काम को करने में, या किसी भी तरह से अगर वो तेज है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रिश्क, या कह सकते हैं एनर्जेटिक, और उसका एंटोनिम हो जाएगा लेजी, क्या हो जाएगा लेजी, तो लेजी इसका एंटोनिम हो जाएगा। लेजी मीन्स होता है आलसी, एक व्यक्ति क्या है बहुत फुर्तीला है, बहुत ज़्यादा एकदम से कार्य को करता है, और दूसरा हो जाएगा एंटोनिम इसका लेजी, लेजी मतलब आलसी व्यक्ति, ठीक है, या फिर आप लिथार्जिक बोल सकते हैं। अगला वर्ड है बोल्ड, बोल्ड भी अच्छा शब्द है, बोल्ड, बोल्ड का मतलब क्या होता है, देखिए बोल्ड मीन्स होता है बहादुर, अगर कोई व्यक्ति साहसी है या फिर बहादुर है उसको बोलते हैं बोल्ड, तो बोल्ड का मतलब क्या होता है बहादुर या फिर साहसी व्यक्ति, यानी करेजियस। एक वर्ड यहां पर लिख सकते हैं आप करेजियस, तो करेजियस का मतलब भी क्या होता है साहसी, या फिर जो व्यक्ति बहादुर है, जो निडर है, उसको बोलते हैं करेजियस या फिर बोल्ड पर्सन। आगे है यहाँ पर एंटोनिम की अगर बात करें तो हो जाएगा कायर व्यक्ति, कायर मतलब टिमिड, तो टिमिड हो जाएगा कायर, ओके। या फिर इसके लिए आप कावर्डली कह सकते हैं, कावर्डली, कावर्डली आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं बोल्ड का।
बोल्ड मीन्स होता है साहसी, और इसका उल्टी की बात करें तो टिमिड हो जाएगा, या फिर कावर्डली इसका आंसर या इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को देखेंगे जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, ये एसएससी के एग्जाम में ही पूछे गए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर स्टेनोग्राफर या एमटीएस, ये इन सभी एग्जाम में, सीपीओ में, तो एग्जाम में पूछे हुए वर्ड है। तो इस तरह से हम ये वाले वर्ड को डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको आप अच्छे से देखना। ठीक है, सारे एक एक जो वर्ड है इस वीडियो में या फिर इस क्लास में, जो भी आपको सारी क्लासेस या बैच बोल सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, आपको कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस एक बार अच्छे से इनको याद कर लेना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है जुबिलेंट, एक वर्ड है यहाँ पर जुबिलेंट। अगला है हमारे पास करेज, सी ओ यू आर ए जी ई, करेज अभी हमने वर्ड डिस्कस किया, करेजियस वही वर्ड है, नेगोशिएशन, नेगोशिएशन तो नेगोशिएट करना, अभी आपको बताएंगे क्या होता है इसका मतलब। एक वर्ड है यहाँ पर इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है, अगला वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्सीक्वस, ऑब्सीक्वस, क्यू यू आई ओ यू एस, ऑब्सीक्वस। ठीक है, तो ये पांच वर्ड है यहाँ पर लिखे हुए, इसको हम डिस्कस करते हैं। जुबिलेंट का मतलब होता है खुश, क्या होता है खुश, अगर कोई व्यक्ति खुश है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी है, उसको क्या बोलते हैं जुबिलेंट। तो इसके लिए आप हैप्पी या फिर रिजोइस वर्ड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हैप्पी या फिर रिजोइस, तो रिजोइस का मतलब भी क्या होता है खुश। ठीक है, हैप्पी या फिर रिजोइस पर्सन को क्या बोलते हैं हम, जुबिलेंट यानी खुश। और एंटोनिम की अगर बात करें तो सोम्ब्र एक अच्छा वर्ड है, सोम्ब्र, सोम्ब्र। ठीक है, सोम्ब्र का मतलब क्या होता है, उदासी भरा, या फिर एक वर्ड और है डिजेक्टेड, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब भी क्या होता है निराश, कोई अगर व्यक्ति निराश है, उदास है, उसको क्या बोल सकते हैं आप, डिजेक्टेड या सोम्ब्र यानी उदासी से भरा हुआ। अगला हमारे पास है करेज, करेज का मतलब होता है साहस, करेज मतलब साहस, या फिर बोल सकते हैं आप इसको ब्रेवरी, करेज मतलब ब्रेवरी, तो ब्रेवरी मतलब बहादुर, तो साहस या फिर बहादुरता उसको बोलते हैं करेज या फिर ब्रेवरी। और इसके एंटोनिम की अगर बात करें तो कावर्डिस हो जाएगा, कावर्डिस या कोवार्डिस। ठीक है, कोवार्डिस मतलब जो व्यक्ति डरपोक हो, जो मतलब बहुत ज़्यादा डरता हो, जिसके अंदर हिम्मत नहीं है, ठीक है, जो बहादुर नहीं है, उसको बोलते कोवार्डिस। नेक्स्ट है नेगोशिएशन, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का मतलब होता है मोल भाव, मोल भाव या फिर समझौता करना, मोल भाव या फिर समझौता, मोल भाव मतलब जैसे आप कहीं पर दुकान पर गए कुछ सामान लेने, तो आप बोलोगे, दुकान वाला बोलेगा कि इतने का है, आप बोलोगे इतने का नहीं इतने ले लो, मतलब आप पैसे कम करके बताओगे, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं या फिर समझौता करने कर रहे हैं आप, तो समझौता करना या फिर नेगोशिएट करना मतलब मोल भाव करना, इस सेंस में आप यूज़ करेंगे किसका, नेगोशिएशन का। इसके आप, हाँ एक वर्ड है बारगेनिंग, तो बारगेनिंग बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, बारगेनिंग, बारगेनिंग का मतलब हो जाएगा समझौता करना या फिर मोल भाव करना, तो आप क्या करते हो वहाँ पर, बारगेनिंग करते हो। नेक्स्ट है इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बिना तैयारी के, तो बिना तैयारी के मतलब क्या हुआ इसका, जैसे आपका एग्ज़ाम अगर मान लो, सपोज़ करो 5 दिन बाद आपका एग्ज़ाम आने वाला है, सपोज़ करो कि 5 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, पूरे साल आपने कोई तैयारी नहीं की, अब आप 5 दिन में पढ़ करके जा रहे हो, तो आपने क्या किया, इम्प्रॉम्प्टू मतलब बिना तैयारी के जा रहे हो, आपने एकदम से चीज़ों को पढ़ा, ठीक है, पहले से आप प्रिपेयर नहीं थे, आपने एकदम से एक दो दिन में ही चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, आप एक दो दिन की तैयारी करके जा रहे हो, मतलब बिना तैयारी के जा रहे हो आप, इम्प्रॉम्प्टू मतलब एकदम से आपने चीज़ों को तैयार करना शुरू किया, तब उसके लिए आप यूज़ करते हैं किसका, इम्प्रॉम्प्टू का, तो इम्प्रॉम्प्टू मतलब
बिना किसी तैयारी के, यानी थोड़े समय पहले तैयारी करना, उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। नेक्स्ट है ऑब्सिक्वस, अगला वर्ड है हमारे पास ऑब्सिक्वस, इसका मतलब होता है अति आदर या फिर विनम्रता भरा, यानी ऑब्सिक्वस मतलब बहुत ज़्यादा आदर या सम्मानित पर्सन। ठीक है, चलिए आगे पांच वर्ड और हैं, इनको डिस्कस करते हैं। चलिए पांच वर्ड और इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका लेक्चर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अगला वर्ड है यहां पर रग्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इनविगोरेटिंग, इनविगोरेटिंग, ओके। आगे है हमारे पास एग्जैगरेट, एग्जैगरेट, ठीक है। एग्जैगरेट, ठीक है, एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है एग्जैगरेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इवेड, अगला वर्ड है हमारे पास कॉन्स्क्रिप्ट, नेक्स्ट है कॉन्स्क्रिप्ट, ठीक है। ये पांच वर्ड हमने लिखे हैं फिर से यहां पर, और ये इस लेक्चर के लास्ट वर्ड है, इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका लेक्चर यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। पहला वर्ड यहां पर है रग्ड, रग्ड का मतलब होता है खुरदरा, खुरदरा या फिर कह सकते हैं रफ, रफ या फिर खुरदरा, रफ का मतलब भी क्या होता है खुरदरे से ही होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा रग्ड, रग्ड मतलब रफ। अगला है इनविगोरेटिंग, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनविगोरेटिंग, इनविगोरेटिंग का मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ या फिर स्फूर्ति से भरा हुआ, यानी रिफ्रेशिंग पर्सन, रिफ्रेश मतलब एकदम ताज़ा मूड है, ऊर्जा से भरा हुआ है, तो आप कह सकते हैं रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग मतलब ऊर्जा से भरा हुआ है, एकदम ताज़ा ताज़ा मूड है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जैगरेट, एग्जैगरेट का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके, मतलब इतना वो है नहीं जितना उसको बताया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा करके उसके बारे में बताना, उसको बोलते हैं एग्जैगरेट करना, तो बढ़ा चढ़ा कर बताना किसी बात को, उसको क्या बोलते हैं एग्जैगरेट करना। अगला वर्ड है इवेड, देखिए इवेड का मतलब होता है बचना, कैसे बचना, किसी चीज़ का सामना करने से बचना, उसको बोलते हैं हम क्या इवेड, तो इवेड मीन्स क्या होता है सामना करने से बचना। और एक इसका एंटोनिम यहाँ पर लिखा हुआ है कन्फ्रंट, एंटोनिम यहाँ पर लिख लेंगे आप इसका कन्फ्रंट, कन्फ्रंट मतलब किसी चीज़ का सामना करना, और इवेट का मतलब होता है सामना करने से बचना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कन्फ्रंट, कन्फ्रंट मतलब किसी चीज़ का सामना करना। अगला है कॉन्स्क्रिप्ट, कॉन्स्क्रिप्ट एक वर्ड है, इसका मतलब होता है सेना में अनिवार्य भर्ती, यानी जब एकदम से सेना में भर्ती की मतलब ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्ट। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 30 वर्ड, कितने वर्ड यूज़ किए यहाँ पर 30 वर्ड हमने यहाँ पर डिस्कस किए, साथ में एंटोनिम और सिनोनिम किसी किसी वर्ड का हमने डिस्कस किया, तो लगभग अगर हम ओवरऑल वर्ड की बात करें तो 50 के अराउंड आपके वर्ड होते हैं। तो इस तरह से हम जो है क्लास को अपने लेकर के चल रहे हैं, और हाथों हाथ इन चीज़ों का रिविज़न करते हैं, आपको रहना है इस संडे को जो कि आने वाला है, इस बार टेस्ट होगा आपका, और इस बार एक से लेकर के 12 या 11 जितनी भी क्लासेस होगी संडे सैटरडे तक आपका सभी क्लासों का टेस्ट लिया जाएगा, और ज़्यादातर फोकस किया जाएगा यहाँ से आगे की क्लास जो होगी, ठीक है, यानी इस वीक की जो क्लास होने वाली है उन क्लासों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे, और जो पीछे के हैं उसमें से भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उनको भी रिविज़न करते रहना है, ठीक है। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो YouTube वाले बच्चे हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार फिर से यहाँ पर मैं नोट करा देता हूँ 9557760685, ठीक है, इस पर आप WhatsApp कर सकते हैं अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।